आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ओम बिरला चुने गए लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री मोदी ने की ओम बिरला की तारीफ। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बड़ी बैठक, 14 दल एक राष्ट्र एक चुनाव से असहमत। भोपाल में पुलिस की पिटाई से एक युवक की मौत, 5 पुलिस वाले निलंबित हुए। कमलनाथ कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब कम स्टाम्प ड्यूटी और कम रजिस्ट्री फीस चुकानी होगी। और शिखर धवन वर्ल्ड कप टीम से बाहर, ऋषभ पंत ने ली शिखर धवन की जगह। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। 17वीं लोकसभा के बजट सत्र के दौरान लोकसभा के नए स्पीकर का चुनाव हो चुका है। सदन की कार्यवाही के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव किया है, जिस पर प्रोटेम स्पीकर ने मतदान करवाया और ओम बिरला को लगभग सभी दलों से समर्थन मिल गया। इसके बाद ओम बिरला अगले 5 साल के लिए लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। अध्यक्ष चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें स्वयं आसंदी तक लेकर गए। इसके बाद एक एक करके सांसदों ने बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देते हुए उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह सदन के लिए गर्व का मौका है, साथ ही मैं बिरला जी को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं। कई सांसद हैं जो बिरला जी को जानते हैं। बिरला जी ने राजस्थान विधानसभा को भी सेवाएं दी हैं। पीएम आगे बोले कि बिरला जी के साथ मैंने लंबे समय तक काम किया है और वो ऐसी जगह से सांसद हैं जिसे आज के समय में शिक्षा का काशी कहा जाता है। बिरला जी सालों से समाज सेवा में हैं और गुजरात में भूकंप के दौरान उन्होंने लंबे समय तक वहां रहकर काम किया था। किसी भी प्रकार के ब्रेक के बिना अखंड अविरत समाज जीवन की किसी न किसी गतिविधि से जुड़ा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी छात्र आंदोलन से निकल करके युवा मोर्चा के संगठन में करीब 15 साल तक जिले में, राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर काम किया। मुझे सालों तक संगठन का कार्य करने का अवसर मिला, उसके कारण मेरे एक साथी के रूप में भी हम दोनों को साथ में काम करने का अवसर मिला। और कोटा वो धरती है जो एक प्रकार से आजकल शिक्षा का काशी बन गया है। जिनके भी दिल दिमाग में कैरियर की प्राथमिकता है वो कोटा को पसंद करता है। कोटा में रहेगा, कोटा में पढ़ेगा और कोटा से अपनी जिंदगी बनाता है। राजस्थान के कौन सा छोटा सा शहर आज एक प्रकार से लघु भारत बन गया है। और कोटा का ये परिवर्तन जिस नेतृत्व के सामने हुआ है, जिसके योगदान से हुआ है, जिसके इनिशिएटिव से हुआ है, वो नाम है श्रीमान ओम बिरला जी। बीजेपी ने राजस्थान के कोटा से दूसरी बार सांसद ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर का प्रत्याशी तय किया था और कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने भी इस पद के लिए कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और उन्हें समर्थन दे दिया। बिरला ने राजद प्रत्याशी के रूप में मंगलवार को नामांकन दाखिल किया था। पीएम मोदी खुद उनके प्रस्तावक व राजग के तमाम सहयोगी दल अनुमोदक बने थे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक से कांग्रेस समेत कई दलों ने दूरी बना ली। दूरी बनाने वाली लिस्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा डीएमके नेता एमके स्टालिन, अखिलेश यादव और मायावती का भी नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक राष्ट्र एक चुनाव पर सबसे रायशुमारी करना चाहते हैं, लेकिन मीटिंग में शामिल हुए बिना ही लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जता दी है। सीपीएम ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव पर विरोध किया है। पार्टी ने इसे मौलिक रूप से संघीय व्यवस्था विरोधी, लोकतांत्रिक व्यवस्था विरोधी बताया और इसे संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ पर
प्रहार करार दिया है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार को विधायिका के प्रति जवाबदेही की संवैधानिक योजना के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन संविधान में संशोधन कर विधायिकाओं का निश्चित कार्यकाल किए बिना यह संभव नहीं है। देश एक चुनाव पर चल रही पीएम मोदी की बैठक में 14 पार्टियां नहीं पहुंची। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है, जबकि सीपीएम समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। मीटिंग में नहीं पहुंचने वाले पार्टियों में कांग्रेस, टीएमसी, टीडीपी, आम आदमी पार्टी, एआईएडीएमके, डीएमके, एसपी, बीएसपी, शिवसेना, आरजेडी, जेडीएस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, एआईयूडीएफ और आईयूएमएल शामिल है। भोपाल की बैरागढ़ पुलिस ने बीती रात बीआरटीएस कॉरिडोर से एक्सयूवी निकालने के जुर्म में दो युवकों को इतना पीटा कि उनमें से एक की मौत हो गई। मृतक की करीब 15 तोले सोने की चेन और अंगूठी भी पुलिस ने लूट ली। मरने वाले युवक का नाम शिवम मिश्रा है, उसके पिता पुलिस की साइबर सेल में है। इस घटना में पुलिस वालों की लुटेरी और हत्यारी छवि सामने आने के बाद मामले को ठंडा करने के लिए आईजी योगेश देशमुख ने अपने बैरागढ़ थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इनमें बैरागढ़ के टीआई अजय मिश्रा, एसआई राजेश तिलवारी और 3 जवान शामिल हैं। इस हत्याकांड के बाद पुलिस के कारण कमलनाथ की मुसीबतें बढ़ गई हैं। देखिए मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की ताकत, यह पुलिस इतनी ताकतवर है कि किसी की भी जान ले सकती है। यह अलग बात है कि इस पुलिस का नारा देशभक्ति का और जनसेवा का है, लेकिन जब इससे मौका मिलता है तो यह पुलिस हत्यारी और लुटेरी बन जाती है। कमलनाथ की पुलिस पर आरोप है कि उसने एक नौजवान को ऐसा मारा कि उसके प्राण ही निकल गए। बात किसी गांव, देहात या जंगल की नहीं है, ये बात है भोपाल की। रात 1:30 बजे शिवम और उसका दोस्त गोविंद शर्मा ढाबे से खाना खाकर लौट रहे थे। बीआरटीएस कॉरिडोर में उनकी एक्सयूवी रेलिंग से टकराने के बाद बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। लाल घाटी से पुलिस दोनों को बैरागढ़ ले गई और दोनों की इस कदर पिटाई की कि शिवम की मौत हो गई। जब पुलिस उन्हें पीट रही थी तो वो पूछ रहे थे हमारा जुर्म क्या है। पुलिस की पिटाई से शिवम की जान चली गई और अब गोविंद घायल है। शिवम के परिजन इस मामले में हत्या और लूट का प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। डीआईजी इरशाद अली वी हमीदिया अस्पताल पहुंचे और मृतक शिवम के परिवार वालों को मनाने की कोशिश की। इस बीच मामले को ठंडा करने की नीयत से आईजी योगेश देशमुख ने बैरागढ़ थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इसमें बैरागढ़ के टीआई अजय मिश्रा, एसआई राजेश तिलवारी और 3 जवान शामिल हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि मृतक और उसका साथी शराब के नशे में धुत थे। देखिए, इसमें परिवार वालों का आरोप है कि परिवार थाने को मार्केट में गया और प्राथमिक तौर पे क्योंकि पुलिस के खिलाफ पुलिस की कस्टडी में हमारे कस्टडी में ही था। ऐसे में हमने कुछ लोगों को एक टी आई यहाँ के जो इंचार्ज है एस एच ओ उनको अजय मिश्रा को एक सब इंस्पेक्टर को, एक कॉन्स्टेबल को और 2 कॉन्स्टेबल। प्राथमिक तौर पर हमें ऐसा महसूस होता है कि उसमें इनकी प्राथमिक तौर पर नजर आ रही है। उसके बाद जो इंक्वायरी सिक्योरिटी पाई जाए उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। जी नहीं, उसमें आउटराइट ऐसा मारपीट के साथ में नजर नहीं आ रहा है। एक आध जगह हमारे वो इशू सेकेंडरी हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि थाने में व्यक्ति के खिलाफ लाया गया था। पुलिस और सरकार ने अपनी खामी छुपाने और मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को इस हाल में देखकर घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। पिता खुद पुलिस में है, लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद उसके भी आंसू थम नहीं रहे। वो बस दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। मृतक के पिता को पीएम के लिए राजी करने के लिए साइबर सेल की एआईजी शशिकांत शुक्ला भी हमीदिया अस्पताल पहुंचे। मृतक के मामा
हृदेश भार्गव ने बताया कि मंगलवार देर रात उनके भांजे और उसके दोस्त गोविंद की गाड़ी पीआरटीएस कॉरिडोर से टकरा गई। आनन फानन में डायल 100 के जवान मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को पास की पुलिस चौकी पर ले आए। यहां दोनों की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद बैरागढ़ पुलिस आई और दोनों युवकों को थाने ले गई। वहां भी दोनों की जमकर पिटाई की गई। शिवम ने कई बार पिटाई कर रहे पुलिस वालों को बताया कि उसके पिता भी पुलिस में है, लेकिन पिटाई कर रहे पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार उसे मारते रहे। इसके बाद बैरागढ़ थाना परिसर में शिवम ने दम तोड़ दिया। मृतक पुलिस में भर्ती की तैयारी कर रहा था। जी जी, इंदौर में तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद मारपीट उसी हुई, यानी डेढ़ वाले हमारे चैन भी थे, पैसे भी थे, दिया तो नहीं चैन पकड़ मोटी वाली चैन चैन तो यही है कि सीधा सीधा मारा है और अदरवाइज क्या है बताइए। मृतक शिवम के पिता सुरेश मिश्रा ने भी आरोप लगाया है कि उनके बेटे की पुलिस ने हत्या की है। उन्होंने बताया कि बेटे के पास पैसे और सोने की चेन थी जो नहीं मिल रही है। टक्कर के बाद गाड़ी पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन बेटे को खरोंच तक नहीं आई थी। लेकिन थाने ले जाकर पुलिस ने पिटाई की और उसके कान और शरीर पर निशान पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि पुलिस अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी प्रभावित कर देगी। ऐसे में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पुलिस की बर्बर पिटाई से मौत के बाद जाहिर है कि सियासत भी तेज होगी। आधा दिन बीत जाने के बाद तक गृह मंत्री बाला बच्चन इस मामले से अनभिज्ञ नजर आए। वहीं बीजेपी ने साफ कहा कि हम इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। जो पीड़ित परिवार की मांग है वही हमारी मांग है। बैरागढ़ में बहुत दर्दनाक घटना घटित हुई। इकलौते बेटा था, अपंग है, माँ बाप उनके हैं, पुलिस में नौकरी करते थे। डिवाइडर से गाड़ी टकराने के बाद पुलिस घर से ले गई, उसको मारा, फिर बाद में मेडिकल कराया, फिर मारा और थाने में उसकी मौत हो गई। उनके परिजनों का आरोप है कि थाने ने पुलिस ने उसको मार डाला है। 302 के अपराधी प्रकरण की उन्होंने डिमांड की है और हमने कहा है कि जो उनके परिवारों की मांग है वही हमारी मांग होगी। हम विधानसभा के अंदर भी ये मामला उठाएंगे और आगे भी इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। शिवम के परिजनों का आरोप है कि जब शिवम की थाने में पिटाई हो रही थी तो उस वक्त मृतक शिवम के चाचा जो इंदौर में सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने बैरागढ़ टीआई अजय मिश्रा को फोन लगाकर इसकी जानकारी दी थी और अपने भतीजे को छोड़ने की गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद शिवम को इस बेरहमी से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। शिवम की मौत से पहले एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वालों से घिरा एक शख्स अचानक जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद पुलिस वाले उसे गाड़ी में रखकर ले जाते हैं। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर पुलिस की पिटाई के कारण जमीन पर गिरा शख्स ही शिवम है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। यह वीडियो बैरागढ़ पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी का बताया जा रहा है। बीती रात 2:07 का यह वीडियो है। इस वीडियो में पुलिस से घिरा हुआ यह शख्स नजर आ रहा है, यही शिवम है। वही शिवम जिसे लेकर पुलिस पर आरोप है कि पुलिस पिटाई के बाद इसने दम तोड़ दिया। बताया जाता है शिवम अपने मित्र के साथ बीआरटीएस कॉरिडोर में अपनी एक्सयूवी दौड़ा रहा था और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद पुलिस इसमें सवार शिवम और उसके दोस्त को लालघाटी लाई और पिटाई की। उसके बाद बैरागढ़ पुलिस स्टेशन लाने तक उनको पीटा गया। उसके बाद यह वीडियो बताता है कि रात 2:07 पर यह शख्स जमीन पर गिर जाता है। पुलिस सूत्र कहते हैं यहीं तक शिवम की पुलिस वालों से बात हुई, उसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस वीडियो को भी अपनी जांच में ले लिया है। इस बीच आईजी योगेश देशमुख ने बैरागढ़ थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं घटना के बाद हुई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के बाद शिवम और उसका दोस्त गोविंद शराब के नशे में थे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष संतोष पुनेम की निशंस हत्या कर दी। नक्सलियों ने संतोष पुनेम की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद कई वाहनों को भी आग लगा दी। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने मंगलवार शाम को सपा नेता संतोष पुनेम का अपहरण कर लिया था और आज सुबह धारदार हथियार से उसकी निशंस हत्या कर दी और 4-5 वाहनों में भी आग लगा दी। नक्सली संतोष का अपहरण कर मरिमल्ला गांव ले गए और गांव के नजदीक ही उन्हें मार डाला। सपा नेता के शव को लेने जब उनके परिजन पहुंचे तो नक्सलियों ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। इसके बाद स्थानीय पुलिस की टीम वारदात स्थल की ओर रवाना हुई। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने वारदात की पुष्टि की है। फिलहाल हत्या के कारणों के संबंध में खुलासा नहीं हुआ है।
समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कलेक्टर गाइडलाइन को 20 फीसदी कम करने का फैसला लिया गया है। कमलनाथ कैबिनेट के इस फैसले से प्रदेश की जनता को बड़ा लाभ मिलेगा। नए फैसले के बाद जमीन या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर कम स्टाम्प ड्यूटी और कम रजिस्ट्री फीस चुकानी होगी। प्रॉपर्टी को लेकर जारी की जाने वाली कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर प्रदेश के मंत्रियों ने कहा कि प्रदेश की जनता को देखते हुए इसे तय किया गया है। इस मामले में वित्त मंत्री तरुण भनोट और वाणिज्य कर मंत्री बिजेंद्र सिंह राठौर और जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि भोपाल में भी रियल एस्टेट के रेट अधिक थे, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती थी। कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कलेक्टर गाइडलाइन को 20% कम किया है, साथ ही स्टाम्प ड्यूटी को भी कम कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या पुत्री को संपत्ति के अधिकार देता है तो उसे भी रियायत दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। पुत्र रहते ही ना नेचुरल रहता है, पर ये अगर जोड़ते हैं इसके पीछे सोच ये है कि महिला परिवार में महिला को भी अधिकार मिलेगा। 500 रुपए वाला दूसरा जो है परिवार में पारिवारिक विभाजन जैसे होते हैं, बंटवारा हुआ और उसमें पहले जो है स्टाम्प ड्यूटी लगती थी 2.5%, इसको घटा के 0.5% हम लोगों ने की है ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और लोगों को सुविधा हो ताकि वो अपना बने बंटवारा आसानी से नहीं हो सके, बंटवारा आसानी में सुविधा हो सके और रजिस्टर्ड हो जाए ताकि जो है आम आदमी उनको परेशान ना कर सके। उस बात को हम फिर से क्लियर कर रहे हैं, अगर आपने अपनी संपत्ति में अपने परिवार में पत्नी या पुत्री को शामिल किया है तो पुत्र नहीं है पुत्र रहते ही ना नेचुरल रहता है, पर ये अगर जोड़ते हैं नए फैसले के बाद लोगों को जमीन या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर कम स्टाम्प ड्यूटी और कम रजिस्ट्री फीस चुकानी होगी। परिवार के अंदर संपत्ति हस्तांतरण का शुल्क भी घटाया जाएगा। ऐसे मामलों में स्टाम्प ड्यूटी केवल 1,000 होगी और फीस केवल 100 रुपए ही होगी। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इन प्रस्तावों में निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के अधिवक्ताओं को पेंशन दी जाएगी, साथ ही एक समिति का गठन होगा जो कि इनके हित में कार्य करेगी। राज्य सरकार ने करीब 108 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत 15 नए छात्रावास बनेंगे। बीजेपी के उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की सदस्यता बढ़ाने का अभियान में जुट गए हैं। उन्होंने कहा मुख्य काम तो मिस कॉल से होगा, लेकिन ये असाधारण पार्टी की असाधारण सदस्यता होगी। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ऑफिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई। बीजेपी सदस्यता अभियान के प्रमुख पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने बीसी के जरिए आईटी सेल के कार्यकर्ता प्रभारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि असाधारण पार्टी की असाधारण सदस्यता होगी। शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ता विस्तारक के रूप में काम करेंगे, मिस्ड कॉल की पुष्टि भी कार्यकर्ता करेंगे। सदस्यता अभियान को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम विशेषकर आईटी सेल के सभी कार्यकर्ता जो प्रदेशों में काम देखते हैं उनके साथ बात करेंगे, सदस्यता प्रभारियों के साथ बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी असाधारण पार्टी, असाधारण नेतृत्व हमारा मोदी जी, अमित जी, अब नड्डा जी, और ये सदस्यता भी असाधारण होगी। ये बात सच है कि मिस कॉल करके सदस्यता होगी, लेकिन इस बार कार्यकर्ता भी वहां रहेगा मिस कॉल करवाने के लिए, फॉर्म भरवाएगा, पुष्टि करवाएगा। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बिजली के तारों में करंट तो नहीं दे रही, परंतु बिना बिजली के लंबे लंबे बिजली के बिलों से जरूर जनता को
करंट दे रही है, यह कहना है एमपी बीजेपी के उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा का। उन्होंने कहा 100 रुपए प्रति माह बिजली के बिल का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने प्रदेशवासियों से बिजली के नाम पर चौथ वसूली शुरू कर दी है। हुजूर विधानसभा से विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने बताया कि मानसून की तैयारियों के लिए कोलार दौरे के दौरान झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में माताओं बहनों ने उन्हें बड़े हुए बिजली बिल की समस्या से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके बिजली बिल देखकर मैं आश्चर्यचकित था कि एक एक माह के बिजली बिल 2500 से 25000 तक के थे, वे भी उन घरों के जहां संबल योजना के हितग्राही हैं। विधायक शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा कोलार सहित हुजूर विधानसभा के संपूर्ण क्षेत्र में इन बढ़े हुए बिल की जानकारी ली गई तो हजारों ऐसे बढ़े हुए बिजली के बिल के प्रकरण प्रकाश में आए जिसमें किसान को मिलने वाली बिजली के बढ़े हुए बिल भी शामिल थे। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोलार क्षेत्र में जर्जर सड़कों एवं पानी से लोग परेशान है, साथ ही यह बढ़े हुए बिजली बिल के देखकर उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विधायक शर्मा ने कहा कि यह बढ़े हुए बिजली के बिल मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की हजारों करोड़ के घोटाले की नई स्कीम है। देखिए आज कुलार के नागरिक यहाँ पर आए थे, उनमें 10,000, 20,000, 40,000, 35,000, 36,000, 22,000, 19,000, 17,000 और अधिक कम से कम 5,000 तक के बिजली के बिल लेकर आए थे। वो गरीब हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कोई झाड़ू लगाने का काम करते हैं, कोई रोटी बनाने का काम करते हैं, कोई झाड़ू पोछा दोनों लगाने का काम करते हैं, जिनके पहले बिल शिवराज जी के सरकार में 200 के आते थे, अब इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं। सरकार कांग्रेस की लूटने की योजना बना रही है। अकेले हुजूर विधानसभा में ही लगभग 400 करोड़ रुपए की अवैध वसूली बिजली के बिलों के माध्यम से हो रही है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बिजली के बिलों के माध्यम से भ्रष्टाचार का नया तरीका अपनाया है और लगभग 4-5 हजार करोड़ रुपए का पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार करने की कांग्रेस ने योजना बनाई है। आज उसके खिलाफ हम लोगों जो है तैयारी की है, कल हम भीमा कुंज पे 4 बजे प्रदर्शन करके वहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, बले हुए बिजली के बिल वापस लेने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी की चिमनी सरकार ने पूरे प्रदेश को अंधकार में धकेल दिया है। आज प्रदेश खून के आंसू रो रहा है, गांव गरीब किसान युवा सभी सरकार से परेशान है। बलात्कार लूटपाट हत्या अपहरण जैसे अपराध प्रदेश में आए दिन घटित हो रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वह जल्द ही इस गंभीर विषय के बारे में राज्यपाल महोदया से भेंट कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में बढ़े हुए बिजली के बिल की जांच कराने के लिए एक निष्पक्ष जांच कमेटी बनाने की मांग करेंगे जिससे कांग्रेस सरकार का यह बिजली घोटाला उजागर हो सके। रीवा में शराबी पिता की मारपीट से परेशान होकर दो मासूम पिता की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। ये दोनों बच्चे पिछले 2 सालों से अपने पिता की पिटाई का शिकार हो रहे हैं। अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। पिता जब घर आता है शराब के नशे में होता है और रोज अपने बच्चों से मारपीट करता है, यह सब पिछले 2 सालों से चला आ रहा है। पिता से पीड़ित इन दोनों बच्चों ने तय किया कि अब पिता के साथ नहीं रहना और अब हम अपने पिता के साथ नहीं रहना चाहते। रीवा के सामान थाना में यह मामला पहुंचा तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई। मासूम बच्चे पड़ोस में रहने वाले अंकल के साथ पुलिस के पास पहुंचे। वहीं पड़ोसी की माने तो यह बच्चे अक्सर पिता की पिटाई के डर से उनके घर यहां रात को पहुंच जाते हैं। वह उनको खाने पीने की व्यवस्था करने के साथ सोने का इंतजाम करते हैं। सुबह वह बच्चों को फिर से अपने पिता के घर पहुंचा देते हैं। यह काफी अरसे से चला आ रहा है। दो बच्चे थाने में अभी पड़ोसी के साथ में थाने तैयार होने बताया क्योंकि पिताजी के साथ में मारपीट करते हैं बहुत ज्यादा, तो माँ अपने पिताजी के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अपने पड़ोसी के जो पड़ोसी है जब मारपीट जब भी जाते थे अपने पड़ोसी के पास जाते हैं तो वो इलाज उलाज कराते हैं, खाना वाना खिलाते हैं, तो उनके साथ रहना चाहते हैं। करीब 2 साल से उनके पिताजी के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो एक बच्चा जो छोटा वाला 9 साल का है ये बैकुंठपुर में दादी के पास था, वहाँ से रात को भाग के और यहाँ पे आया हुआ अपने पड़ोसी जो विकास तिवारी उनके पास में सारी बात बताएंगे। पिताजी और इनके पिताजी दोनों मारपीट करती हैं, हम उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। इनके पिताजी शिव प्रसाद गुप्ता है जो सिमोर चौराहे पर तस्वीर का ठेला लगाते हैं और दोनों बच्चे बाल बात से पढ़ाई करते हैं। कल रात की बात है, कल मैं सुबह सुबह दादी आई तो इनको हैंड ओवर करके दादी के बैकुंठपुर ले गई। वहाँ इनके साथ क्या मारपीट हुई अब वहाँ तो थे तो मैं घर में था तो रात में बच्चा एक बच्चा छोटा वाला बड़े वो बताया कि दादा को मेरे घर में बैठ लिए हैं, मारे हैं और उनको भी बहुत मारे हैं, तो हम मौका पा के भाग आए हैं। बैकुंठपुर से बच्चा रात में अकेले मेरे घर आ गया, जानता है क्योंकि पता नहीं किस हालत में आया, कैसे आया, गाड़ी से आया, बस से आया, और वही बताया। तो सुबह सुबह रूम मालिक है जो मेरे साहब सिंह है
तो उनको मैंने कॉल किया भैया ऐसी सी बात है और बच्चे बता रहे हैं कि मार डालेगा पापा इसको तलवार लेके पक्का मतलब कह रहा था मार डालेंगे हेरे हेरा। अब और कुछ किया हुआ था भैया आए तो उसका पापा भी पीछे जा गया तो भैया ने 100 नंबर डायल करके मैंने फ़ोन लगाया और बुलाया पुलिस को तो एक दिन इसका पापा भाग गया। तो फिर वो जब पुलिस आई जब तो उन्हें उनको लेके चले आए थाना कि भाई जो भी है तो यहाँ जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र के नुनसर गांव में दूल्हे को शराब पिया देखकर दुल्हन बिदक गई और उसने शादी से इनकार करते हुए साफ कहा शराबी से शादी कभी नहीं। शादी के पहले भी वर पक्ष ने वधू पक्ष से कहा था कि हम लोग नशा नहीं करते। पाटन के नुनसर में शादी की तैयारी चल रही थी तभी वधू को लगा कि सारे ही बाराती नशे में हैं, लेकिन तब वधू को झटका लगा जब दूल्हा भी टल्ली नजर आया। दूल्हे की हालत देखकर दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। वधू के इनकार करते ही लड़की पक्ष ने दूल्हे समेत बारातियों को बंधक बना लिया। लड़की पक्ष का आरोप है कि शादी से पहले वर पक्ष ने दूल्हे को किसी भी प्रकार से नशा करने से इनकार किया था। बारात के दौरान दूल्हा जब शराब के नशे में झूमने लगा तो वह वर पक्ष के झूठ बोलने की पोलपट्टी खुल गई। बारात सागर के सिलापरी से जबलपुर के नुनसर गांव आई थी। इसके बाद वधू पक्ष ने शादी में अब तक हुए पूरे खर्चे की मांग वर पक्ष से की है। हंस मैरिज गार्डन में पटेल परिवार की शादी है। आपस में किन्हीं कारणों से विवाद हो गया था तो अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। अब आगे कोई विवाद नहीं है, दोनों पक्षों ने आपस में सहमति कर दी है और बारात वापस जा रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के 6 माह पूरे होने पर संत हिरदाराम नगर के चंचल चौराहे पर मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई। यहां कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के 6 महीने में भरपूर काम किए हैं और सरकार इसी तरह 5 साल तक काम करेगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने संत हिरदाराम नगर के चंचल चौराहे पर मिठाई बांटी और कमलनाथ सरकार के 6 महीने होने का जश्न मनाया। यहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष नानक चंद नानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद थे। यहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस ने जो वादे जनता से किए थे सरकार उन्हें पूरा कर रही है। कमलनाथ सरकार ने 6 महीने में बहुत काम किया है, कांग्रेस सरकार 5 साल काम करेगी। ब्लॉक अध्यक्ष नानक चंद नानी का कहना है कि भाजपा द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस की सरकार नहीं चलेगी और सरकार गिर जाएगी, लेकिन हम बता दें कि यह भाजपा के ख्याली पुलाव हैं। कांग्रेसजनों ने यहां पर मिठाई बांटकर और रात को आतिशबाजी चलाकर हर्ष व्याप्त करेंगे और जब से मध्य प्रदेश की सरकार बनी है लगभग 6 माह आज पूर्ण हुए हैं और 180 दिन हुए हैं, उसमें 100 घोषणाएं पूरी की हैं माननीय कमलनाथ जी। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो गरीब महिलाओं के लिए 300 रुपए की पेंशन थी उसको 600 दिए, बहुत जल्दी उनकी पेंशन 1000 रुपए होने वाली है, किस दिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से जो वचन थे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले दिए थे वो वचन पत्र के जितने वचन थे उसको पूरा कर रही है। मैं अपनी ओर से संत नगर के सभी कांग्रेसजनों की ओर से सभी साथियों की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संत हिरदाराम नगर द्वारा मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को 6 माह के उपलक्ष्य में यहाँ पर कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटी गई, क्योंकि कमलनाथ ने जब से मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली है पिछले 6 महीने में उन्होंने वचन पत्र में अपनी 100 वचन पत्र निभाए हैं। सबसे पहले जो उन्होंने किसानों के 25 लाख किसानों के ऋण माफ़ किए हैं और बुजुर्गों की पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी है, ऐसे अनेक कार्य हैं। व्यापारियों के लिए गुमास्ता कानून को एक ही बार शुल्क भरने के बाद, पहले हर साल भरना पड़ता था अब एक ही बार शुल्क भरना पड़ेगा, उसको बहुत बड़ी सुविधा दी है। ऐसे अनेक जो सुविधाएं दी है उसको लेकर कांग्रेस में उत्साह था और आज उसी के तहत यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी है और यह कार्य निरंतर 5 साल तक चलता रहेगा। वर्ल्ड कप 2019 में अपने शानदार खेल से विरोधी टीमों में डर पैदा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। गब्बर के नाम से मशहूर टीम इंडिया के स्टार ओपनर शिखर धवन अंगूठे की चोट के चलते पूरे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। धवन की जगह ऋषभ पंत को भारत की वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्वीट कर बताया कि धवन के अंगूठे में प्लास्टर जुलाई के मध्य तक रहेगा और ऐसे में वह विश्व कप में आगे भाग नहीं ले पाएंगे। धवन अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं। धवन वर्ल्ड कप में आगे भाग लेने की स्थिति में नहीं है। धवन की जगह ऋषभ पंत को टीम में शामिल किया गया है। 21 वर्षीय पंत को पहले वर्ल्ड कप की टीम का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन अनुभव के आधार पर दिनेश कार्तिकेय को दूसरे विकेटकीपर के रूप में देखा गया। पंत को उनके आक्रामक अंदाज के लिए जाना जाता है। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज आईपीएल के दौरान भी शानदार परफॉर्म में था। उन्होंने इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपको भैरन समाचार सुनाएंगे जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, ऐसा मजा आ रही है बता रहा हूँ। इंडिया ने पाकिस्तान को 7वीं बार टपका दिया वर्ल्ड कप में, बता रहा हूँ। और उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था उनके कैप्टन को कि पहले बैटिंग कर लेना, और मैं बता रहा हूँ वहाँ प्राइम मिनिस्टर की कोई सुन ही नहीं रहा। हाँ, ऐसा तो चल जाए। और पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और बारिश हुई नहीं, और मैं बता रहा हूँ आंसू ये थे, आंसू बहाए जा रहे हैं भलेल भलेल। और वहाँ के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो ज़्यादा बहा रहे हैं, वो कहीं कह रहे हैं ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ भैया, इतना ज़्यादा तकलीफ है तो खुद ही आ जाओ फिर से खेलने, संन्यास वापस ले लो अपना, फिर से टीम बना लो। तुम्हारे नए लड़कों में दम नहीं है, हमारी टीम बहुत प्रोफेशनल हो गई, बता रही हूँ। मैंने जाके फिर बहुत सरप्राइज से बात की, पूछा मैंने कि भैया बता दो असली बात, बता दो क्यों हार गए। तो उसने बोला कि 16 जून को भैया फादर्स डे था, वो हम अपने फादर से कहते जीत सकते हैं, उनको गिफ्ट दे दिया हमने जीत में। हाँ, ये तो चल गया। बिहार में भैया देख लो, ये गर्मी के कारण धारा 144 लगा दी, बताओ ऐसा उत्पात मचा रही है गर्मी वहाँ पे। और वहाँ पे भैया 183 लोग मर गए, बच्चे मर रहे हैं बेचारे लू से, ऐसा तो हो रहा है। बताओ गर्मी कैसा कहर ढा सकती है, बता रहे हो। इसलिए कह रहा हूँ बिहार में भी है ना पेड़ वेड़ लगाओ भैया, बड़ा मुश्किल काम हो रही है आजकल। और ये खबर देख रहे, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने इन्हें बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इन्होंने कहा इनके जो महाप्रबंधक है वो सब रेल से यात्रा करेंगे, और रेल से यात्रा करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि भैया रेल में जाएंगे बैठेंगे तो बाकी समस्या खुद देखने को मिलेंगी, कैसे एक दूसरे के ऊपर लद्द पद जाके बैठ के जाते हैं लोग, तब तो समझ में आएगा इनको क्या हो रही है देश में, रेलवे में कितने सुधार की जरूरत है। और यह खबर ये देख लो, ये PNB घोटाला करके गए, जो गए थे ना मेहुल चौकसी, हाँ मेहुल चौकसी एंटीगुआ में ऐश कर रहे हैं जो बैठ के, वो कह रहे हैं मैं आ नहीं पाऊंगा, यहीं आके पूछ लो। और मैं कह रहा हूँ ये PNB का घोटाला कर करके इतना खाली है, इतने चौड़े हो गए हो, तो बीमारियां तो होंगी, और चुपचाप बता रही हूँ खींच के लाना पड़ेगा, आ जाओ यहाँ पे। हाँ, और मैं बता रही हूँ ये ममता दीदी के चक्कर में पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, बताओ क्या क्या दुर्दशा हो रही लोगों की, बेचारे बीमार पड़े हुए हैं, कोई किसी वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी का ये वो लगा हुआ है। और मैं बता रही हूँ डॉक्टरों को मारती क्यों यार, उनकी है वो तुम्हारा इलाज कर रहे हैं भैया, तो इस तरह की घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए, बता रही हूँ। और वहाँ पे अब स्ट्राइक खत्म होने वाली है शायद, कुछ समझौते मांगे मांगे मान लिए हैं ममता बनर्जी ने, तो उनके पुलिस वाले रहेंगे हर जगह, ये अच्छी बात है। डॉक्टरों की भैया उनकी भी रक्षा करना चाहिए। हाँ, और ये भैया ये संसद का बजट सब शुरू हो गया है। और मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी को तो ऐसा याद करते हैं लोग, सुबह से नहीं आए तो वो चिल्ला चौड़ हो गई, राहुल गांधी क्यों नहीं आया, राहुल गांधी कितने प्रिय हैं, बता रहे राहुल गांधी हैं। और फिर वो 4 बजे आए, फिर उन्होंने शपथ ली। और ये प्रज्ञा भारती हैं, प्रज्ञा साध्वी जी, इनका नाम तो विवादिता होनी चाहिए, साध्वी, बता रहा हूँ हजाम ही जाती विवाद शुरू हो जाते हैं इनका। इन्होंने जो शपथ ग्रहण ली उसमें अपने गुरु जी का नाम ले दिया, ये ले दिया, वो ले दिया, और वहाँ फिर चिल्ला चौट कर दी लोगों ने कि भैया ये नहीं गुरु जी के नाम नहीं है, वो तो वहाँ पे संविधान के नाम पे शपथ लो, ईश्वर के नाम पे शपथ लो, फिर उन्होंने चेंज किया, बता रहे ये तो चल रहा है। और अमेरिका में देखो कितनी खबर है, भारतीय परिवार की हत्या कर दी वहाँ पे किसी ने, सिर फिर ने, बता रहे हूँ मैं, बता रहे वहाँ जाके रहती है क्यों यार, अपने देश इतना बड़ा है, प्रगति कर रहा है, यहीं रहो ना, काहे को वहाँ मानने जाते हो। और यह खबर देखो अमेरिका से एक अच्छी खबर भी आ रही है कि जब भी युद्ध वगैरह होगा तो अपने को भी है ना हथियार मिल जाएंगे, जो नाटो देश है जिनको है ना जो अधिकार प्राप्त हैं वो अपने को भी मिल गए अब। तो ये मोदी जी का जो भैया है ट्रंप के साथ दोस्ती हो रही है उसका फायदा हो रही है, बता रही हूँ। और आखिरी खबर ये सुन लो भैया, भोपाल से अच्छी खबर है, कलकत्ता और पटना लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए सीधी फ्लाइट है तो शुरू होने वाली है, तो भैया टिकट बुक करा लो, घूमो इधर उधर। और मैं भी चला भैया कलकत्ता जा रहा हूँ, जरा दीदी से मिल लूँ, बहुत भुनभुनाती रहती है, उनको जरा भोपाल का पानी ले जाके पिलाऊंगा। हाँ, तो भैया जय श्री राम, मैं जा रहा हूँ।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।